हेलो फ्रेंड, ए टू जेड टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने पीसी को रीसेट कैसे करें। दोस्तों, यहाँ पे जो मैं रीसेट करने का आपको तरीका बताऊँगा, उसमें आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा और आप आसानी से रीसेट कर लोगे। और आपको जानना ज़रूरी है कि रीसेट क्यों करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर रीसेट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पीसी में कोई भी एरर हो जाता है जो कि ट्रबल शूट से सॉल्यूशन नहीं निकलता है, हम उसको रीसेट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीसी में यहाँ पे जो मेरा ऑडियो ड्राइवर है वो मिस हो गया है। मैंने इसमें ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल करके भी देखा, ट्रबल शूट करके भी देखा, बट वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला। फाइनली मुझे रीसेट करना पड़ रहा है ताकि मेरी पीसी की परफॉर्मेंस पहले की तरह हो जाए, स्मूथ हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर आपके पास विंडो 10 है तो आप बिल्कुल मुझे फॉलो कर सकते हैं जैसा कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको विंडो की देख रहा है कॉर्नर में, तो आपको विंडो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आता है सेटिंग का, इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ एक ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा जिसमें यहाँ पर आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो अपडेट एंड सिक्योरिटी वाला सिस्टम आएगा, इसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों रिकवरी का ऑप्शन, तो आपको इस रिकवरी पे जाना है। और यहाँ पे दोस्तों रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन आएगा फर्स्ट में, और इसमें और सेकेंड वाला जो ऑप्शन होगा दोस्तों, यहाँ पे एडवांस स्टार्टअप का होगा। तो एडवांस स्टार्टअप का आप जब कर सकते हैं जब आपके पास यूएसबी ड्राइव या कुछ, जैसे क्या होता है ना कि हम एक इमेज डिस्क क्रिएट कर लेते हैं, इसके लिए पर्टिकुलर अलग वीडियो मैं बना दूंगा। और तो मैं रीसेट पीसी कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ, तो गेट स्टार्टेड कर लूँगा। तो गेट स्टार्टेड मैं कर लेता हूँ, तो मेरे सामने कुछ एक छोटा सा टैब खुल कर आएगा जिसमें दो ऑप्शन आएंगे मेरे सामने। एक आएगी कीप माई फाइल्स, एक आएगा रिमूव एवरीथिंग। दोस्तों, कीप माई फाइल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मेरा जो ऐप्स होगा, जैसे मैंने कोई ऐप्स डाल रखी है, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर डाल रखी है या कोई भी ऐप्स डाल रखी है, जैसे 5K प्लेयर डाल रखा है, तो कोई भी ऐप्स डाल रखा है अलग से, तो वो सारे ऐप्स डिलीट हो जाएंगे और उनकी एक बस पेज आ जाएगा मेरे सामने कि हाँ हाँ ये ऐप्स आपके पीसी से डिलीट हो चुका है। बाकी मेरा कोई भी फाइल, जैसे कि मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है, कोई भी डाउनलोडेड फाइल, जैसे कि आपका पीडीएफ हो गया, आपका सॉन्ग हो गया, आपका MP3, आपका MP4, वो सारे डिलीट नहीं होंगे, वो कि जिस फोल्डर में थे वही फोल्डर में रहेंगे। बट यहाँ पे आप रिमूव एवरीथिंग करोगे तो आपका सारा का सारा फाइल, जैसे कि आपका एप्लीकेशन तो होगा दोस्तों, दोनों में ही एप्लीकेशन डिलीट होंगे, बट जो ऐप्स की फाइल होती हैं, जैसे मैंने कोई एप्लीकेशन से गूगल से मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, तो वो सारे भी मतलब आपका पीसी सेकेंड ऑप्शन चूज करने के बाद आपका सारा का सारा फाइल डिलीट हो जाएगा, आपका पीसी बिल्कुल नया हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका पीसी नया हो जाएगा, बट ओनली सी ड्राइव दोस्तों, सी ड्राइव में से एप्लीकेशन जाएंगे बट फाइल आपकी रह जाएगी। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करूंगा। तो इसके बाद दोस्तों, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल कर आ गया जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका जो ये ऐप्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे, जैसे आपके आपका यूटोरेंट, 5K प्लेयर, एडोब एरोक्राफ्ट रीडर और फ्लैश प्लेयर, एडोब फोटोशॉप और ऑडासिटी, जो कि मैंने एप्लीकेशन डाल रखे हैं, तो ये सारा लिस्ट आ चुका है कि ये सारे एप्लीकेशन मेरे पीसी से रिमूव होंगे, मुझे वापस से ये एप्लीकेशन डालना होगा। तो मुझे पता है पहले से, तो मैं नेक्स्ट कर दूंगा इसको। नेक्स्ट करने के बाद तो यहाँ पे एक बार और दे रहा है, आपको बता रहा है ये कि आपका जो भी है ये रिमूव ऑल ऐप्स प्रोग्राम, तो ये बता रहा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रीसेट कर दूंगा इसको। रीसेट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पे तब तक के लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूँगा। और दोस्तों, जब तक हो रहा है, एक छोटी सी बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये मेरे दोस्त का चैनल है, और आप अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और जो भी आपको टेक्निकल इश्यूज होती हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, मेरी वीडियोज को देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और दोस्तों, ये थोड़ा सा वक्त और ले रहा है तो मैं वीडियो को वापस से पॉज कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ पे आपको 30 मिनट या 40 मिनट भी लग सकते हैं आपका पीसी का अगर क्लॉक स्पीड कमज़ोर है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये थोड़ा सा आ रहा है स्क्रीन, और दोस्तों ये अभी होने के बाद थोड़ा सा रिस्टार्ट हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नीचे में ऑप्शन आ रहा होगा रीसेटिंग दिस पीसी का,
तो दोस्तों ये सेटिंग दिस पीसी में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और इसके बाद परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 1% हुआ है अभी, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए और आपका ज़्यादा टाइम ना लगे इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। दोस्तों वहाँ से मेरा कंप्लीट हो गया है और अब आप देख पा रहे होंगे कि ब्लू कलर का पूरा स्क्रीन हो रखा है और यहाँ पे इंस्टॉलिंग विंडो। तो अभी तक जो हो रहा था वो हमारा प्रोसेस वो कंप्लीट ही हो गया है और अब बस थोड़ा सा टाइम और लगना है आपको, क्योंकि जो भी इसने अपना डेटा हमारा रिफ्रेश करके जो भी इसने इकट्ठा किया था वो यहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा और ये इंस्टॉल हो गया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 26% आप देख रहे हो कि मेरी बातों बातों में हो चुका है। तो बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टार्ट। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी चीज़ और मेंशन कर देना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब ऐसा स्क्रीन आएगा आपके पीसी में तो आपका पीसी हो सकता है कि 2-3 बार इसका स्क्रीन बंद हो जाए, वापस से रिस्टार्ट हो जाए और वापस से बंद हो जाए। तो कुछ टाइम ये अपना रिस्टार्ट हो सकता है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से बिल्कुल दूर बैठना है। आपका पीसी अगर बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को और पास कर देता हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये रिबूट हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं इंतज़ार कर लेता हूँ ऑन होने का। तो आपके पीसी में भी हो रहा होगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों आपका पावर कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पावर कट होता है तो आपके प्रॉब्लम पीसी में आ सकती है। तो मैं थोड़ा सा तो अब मैं आपसे एक छोटी सी बात और मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि आप ना अपने एडाप्टर को, पावर एडाप्टर को अपने पीसी में कनेक्ट कर लेना, क्योंकि पावर कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बैटरी ख़त्म होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे 64% हो चुका है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि बीच बीच में पीसी आपका शट डाउन होगा और फिर ऑन होगा, तो वही एक छोटा सा प्रोसेस था जो अभी हुआ था। तो मैं थोड़ा सा टाइम और वेट कर लेता हूँ और वीडियो को एक बार वापस से पॉज करूँगा मैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा 96% हो चुका है और आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं पॉज करने के बाद बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ में थोड़ी सी पिच का चेंजिंग देखने को मिल रहा होगा। तो होता ही है दोस्तों कि हर बार जब मैं बोलता हूँ तो कभी दूर से बोलता हूँ, कभी पास से बोलता हूँ, और वीडियो को पॉज करने के बाद बोलने के बाद पिच एक्चुअली चेंज हो ही जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये मेरा पीसी 100% होने के बाद देख रहे हो कि मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आप जाना मत वीडियो छोड़ के, यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना है, मैं पासवर्ड भी डाल सकता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि मेरा पिन जो मैंने सेट कर रखा था वो ऑप्शन काम करता है कि नहीं करता है। तो मैंने पिन पे सेलेक्ट कर दिया, तो मैं पिन डाल देता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, ये ओपन हो जाएगा और ओपन होगा तो मुझे थोड़ी सी जैसे सेटिंग वेटिंग के बारे में पूछ सकता है मुझसे, जैसे कि आप लैपटॉप स्टार्ट करते वक्त सेटिंग करते हैं। तो मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ समय प्रोसेस होने के बाद ये कुछ ऐसा एक टैब खुलकर आ गया, तो ये वेलकम टू विंडो बता रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ नॉर्मली। जो भी मेरा रिमूव हुआ है तो आप देख रहे होंगे कि मेरा जो ब्राउजर होता है यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का, उसमें मेरा यहाँ पे उस PDF फाइल आ गया है और उसमें मुझे बताया गया है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो मेरा यहाँ पे रिमूव हुआ है और सारे एप्लीकेशन के नाम आ गए हैं। तो मैं वहाँ से वापस से चाहूँ तो अपना इंस्टॉल कर लूँगा, ताकि मुझे रिमाइंड हो गया यहाँ पे कि कौन सी एप्लीकेशन रिमूव हुई है। और मेरा PC रीसेट हो चुका है, लेकिन मेरा कोई भी फाइल जो होगा दोस्तों, जैसे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, कोई भी फाइल मेरा यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ, मतलब मेरे फाइल सारे रहे मेरे PC में ही। बट मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। देखो दोस्तों यहाँ पे जो भी मेरा ड्राइव था वो सारे ड्राइव मेरे ज्यों के त्यों बने हुए हैं, और ड्राइव तो वैसे भी डिलीट नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये मैं वीडियोज के सेक्शन में जाके दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट के सेक्शन में, कि डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे क्या हैं। तो हाँ देखो दोस्तों यहाँ पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं हुआ, बट मेरा PC यहाँ पे रीसेट हो चुका है और बिल्कुल। और दोस्तों ये जो भी मेरे प्रॉब्लम थी, जो फाइल्स की प्रॉब्लम थी, या फिर मेरी PC, अगर आपका PC बुरी तरीके से हैंग होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ड्राइवर की जो प्रॉब्लम आ रही थी ये अभी मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि ड्राइवर का जो
ये मेरा ऑडियो ड्राइवर डिटेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा था रीसेट करने के बाद ये हो जाएगा, बट यहाँ पे हुआ नहीं दोस्तों। तो मैं इसके लिए कुछ और, हो सकता है कि मुझे हार्ड रीसेट करना पड़े, या मेरा विंडोज़ का जो फाइल है जैसे मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि इसके फाइल में ही कुछ मिसिंग हो गया है जिसकी वजह से वो आ ही नहीं सकता। तो मैं एक बार अब इसको नॉर्मली मैं विंडोज़ का फाइल पूरा पूरा विंडो इसमें रिप्लेस करके देखूंगा, तो वहां से शायद हो जाए, और नहीं तो मैं इसमें कोई ऑडियो ड्राइवर या फिर बाहर से डाल के मैं देख ही चुका हूँ। तो मैं इसके लिए कुछ और जतन करता हूँ ताकि मेरा ये सही हो जाए। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप पीसी को रीसेट कैसे करें। वैसे नॉर्मली देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे जो भी वीडियो बनाता हूँ लॉयलिटी के साथ बनाता हूँ, क्योंकि मैंने बेसिकली रीसेट इसी वजह से किया था ताकि मेरा यहाँ पे जो ये फाइल की मिसिंग है जैसे ऑडियो ड्राइवर की, तो ये मेरा सोल्यूशन हो जाए, बट ये हुआ नहीं दोस्तों। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ट्रबल शूट से भी ये सोल्यूशन नहीं हुआ था, और यहाँ पे मैंने रीसेट करके भी देखा, यहाँ से भी सोल्यूशन नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका मतलब साफ है कि जो मेरे विंडोज का फाइल है जो मेरे पीसी के सी ड्राइव में मौजूद है, उसमें ही कुछ जो फाइल है मेरी करप्ट हो गया है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। इसी की वजह से हो सकता है कि जब मैं दूसरा इसमें ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा हूँ तो उसका फाइल ये करप्ट कर दे रहा है। तो इसके लिए मुझे अब पूरा सी ड्राइव को फॉर्मेट करके वापस से करना होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं एडवांस लेवल पे जिसकी मदद से मैं करूंगा। तो जब उसका सोल्यूशन कर दूंगा तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि आप पीसी को कैसे रीसेट कर सकते हैं एक आसान तरीके से। तो आई होप कि आपको पीसी रीसेट करना आ गया होगा दोस्तों, और कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और साथ में मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आपको विद इन 1 आवर अगर रिप्लाई चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे आप विजिट कीजिए, वहां पे फॉलो कीजिए अगर आपको लगता है तो, और साथ में आप मैसेज कीजिए, विद इन 1 आवर आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद आपका, मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में एक नई टिप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।